नमस्ते, स्वागत है आपका मेरे चैनल रोहित स्पीक्स पर। और आज मैं वीडियो बना रहा हूँ इस पे, जो बेसिकली ब्लड प्योरीफायर्स, जो ब्लड को साफ करने वाली दवा मार्केट में मिलती है, क्या वो एक्चुअली वर्क करती है, क्या वो कैसे वर्क करती है, और या चाहिए कि नहीं चाहिए आपको, तो उसके बारे में थोड़ी जानकारी देना चाहता हूँ। तो जब भी आप ब्लड प्योरीफायर्स या जो भी ब्लड क्लीनर्स या डिटॉक्सिफायर्स सर्च करेंगे, तो ये सब प्रोडक्ट्स आएगा। साफी जो बहुत पुराना दवा है, जो अवेलेबल है मार्केट में, सस्ता है, अवेलेबल है, जो आपके ब्लड प्योरीफायर के नाम से बेचा जाता है। पर ये क्या आपको जरूरत है इसकी, क्या आपको चाहिए ये? तो सिंपली अगर मैं अगर साफ साफ सब शब्दों में कहूँ, तो जरूरत टेक्निकली नहीं है इसका। तो आपका जो ऑर्गन है, आपका जो बॉडी है, वो उसके पास सब पुर्जे हैं जो आपको ब्लड को साफ करने के लिए चाहिए। तो जो आपके बॉडी में लिवर होता है, वो है आपका क्लीनर। वो हर चीज आपके ब्लड को साफ करता है, पूरा लंग्स में से जो आप एयर लेते हैं, खाना खाते हैं, जो स्किन के थ्रू जो भी आता है, लिवर साफ करके उसको बाहर निकालता है आपके सिस्टम से। तो लंग्स के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देता है, लिंग सो लिवर ब्लड को साफ करता है। स्किन के थ्रू से स्वेट निकाल देता है, कोलन से आपका जो आप सुबह करते हैं वो, और किडनी से आपका पेशाब निकाल देता है। तो लीवर आपके सिस्टम में वेल इक्विप्ड है आपके ब्लड को साफ करने, अंटिल अनलेस अगर आपको लिवर का इश्यू है या आपको सिरोसिस हो गया है, तो वो दूसरा बात है। पर ब्लड को साफ करने के लिए आपका सिस्टम ऑलरेडी प्री इक्विप्ड है, उसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा दवा लेने की जरूरत नहीं है। और आप अगर कचरा खा रहे हैं और उसके ऊपर फिर आप साफी लेके बोलेंगे कि मेरा ब्लड साफ हो जाएगा, तो ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि ब्लड में तो कचरा वैसा ही है। साफी भी आप खा रहे हो, उसमें खाली चीजें हैं जो आपके ऑर्गन को हेल्प करती है, पर ब्लड में अगर कचरे पे कचरा ही है, तो वो भी कुछ नहीं कर पाएगी। तो अगर आपको साफी चाहिए या आपको ब्लड साफ करना है, तो आपको टेक्निकली सिर्फ फास्ट करना है, उपवास रखेंगे, एक या दो, एक दिन भी रखेंगे उपवास, आपका लिवर कैचअप करेगा हर चीज से, वो ब्लड को साफ कर लेगा, उसके पास टाइम रहेगा इनफ कि वो अब हाँ भैया, अब आप कुछ कुछ कचरा नहीं खा रहे हो, तो अब मैं ब्लड को साफ कर सकता हूँ आपके। तो लीवर अपने आप उसको कैचअप करके क्लीन कर देगा। उसके ऊपर अगर आप साफी खाते हैं, तो साफी उस पर मदद करेगी। ठीक है, तो साफी का जरूरत, अगर आपने उपवास किया है, उसके ऊपर आपने एक चम्मच दो चम्मच खाया, तो वो हेल्प करेगा। पर अगर आप कचरा खा रहे हो, उसके ऊपर साफी खा के बोलेंगे मैं ब्लड साफ कर रहा हूँ, वो नहीं होने वाला। तो मेन वही है, कैसे काम करता है आपका ब्लड साफ होगा, आपका लीवर सक्षम है उसमें काम करने में। पर उसके लिए आपको चाहिए कि आप उपवास करें, ताकि वो जो कचरा खा रहे हो, जो ब्लड में टॉक्सिन बढ़ गया है, वो लिवर को टाइम मिले साफ करने का। टाइम मिलते मिलते अगर उसके ऊपर आप साफी खा लेंगे, तो वो और अच्छे से साफ कर देगा। बस उतना ही है उसका काम। तो लेना कब है, वो मेन इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप उपवास कर रहे हैं या उपवास नहीं कर रहे हैं, तो आप वैसा कुछ खा रहे हैं जो ब्लड में टॉक्सिन्स नहीं डाल रहा, तेल नहीं डाल रहा, और कुछ रहा नहीं, जैसे फ्रूट रूट खा लिया, फाइबर रिच फूड खा लिया, साफ खाना खा रहे हैं, खिचड़ी खा लिया, उसके ऊपर साफी खा रहे, तो आपका लिवर धीरे धीरे आपका ये सब साफ कर देंगे। तो टेक्निकली आपको साफी या ब्लड प्योरीफायर्स का जरूरत नहीं है, उपवास करेंगे लिवर अपने आप सही कर देगा। उसके ऊपर अगर साफी करेंगे, तो मदद ही होगा और कुछ नहीं होगा, क्योंकि साफी में आपको आयरन मिल जाएगा, आयंस मिल जाएंगे, थोड़ा बहुत एंटीऑक्सीडेंट्स मिल जाएंगे। तो उसका फायदा तब होगा जब अगर आप उपवास करेंगे, आपके लीवर को टाइम देंगे साफ करने। अगर कचरा खा के ऊपर से साफी करेंगे, तो नहीं टेक्निकली काम करेगा। तो बस ये वीडियो के थ्रू मैं यही बताना चाहता हूँ कि ब्लड प्योरीफायर काम करते हैं, पर उसको काम करने का समय एक तरीका होता है। अगर आप उपवास करते हैं, कचरा नहीं खा रहे हैं, ब्लड को आपके लीवर को टाइम दे रहे हैं, उसके ऊपर खाएंगे, तो बने फायदा। तो आशा करता हूँ ये आपको वीडियो थोड़ा हेल्पफुल लगा होगा। ऐसे ही वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में। बाय।